वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक बॉटनी के अंदर नेक्स्ट प्लांट्स दैट इज टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स के बारे में। टिम्बर यानी कि वुड यील्डिंग प्लांट्स जो है, क्रॉप जो है, उसके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले जो वुड है या फिर टिम्बर है, ये क्या होता है? वुड इज सेकेंडरी जाइलम फॉर्मड आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ इन द स्टेम। स्टेम के अंदर जब कैम्बियम एक्टिविटी स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम बनते हैं। तो वो सेकेंडरी जाइलम जो होता है वो क्या होती है? वो वुड होती है। तो सेकेंडरी जाइलम ही वुड होती है जो कि सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से बनता है। यहाँ पे हम चार टाइप के टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। साल, टीक जिसको सेगून या फिर सोगान बोला जाता है, पाइन जिसको चीड़ बोला जाता है, ड्योडर जिसको डियर या फिर देवदारू बोला जाता है। तो इन चार प्लांट्स के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। क्या इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या इनका बोटैनिकल डिस्क्रिप्शन है, एंड यूजेस क्या क्या है इनके। सबसे फर्स्ट आता है साल। तो साल जो है ये फैमिली डाइप्टेरोकार्पेसी से बिलोंग करता है। बोटैनिकल नेम इसका शोरिया रोबस्टा होता है और इसको हाउस ऑफ ट्राइबल गोडेस बोला जाता है। ठीक है, जो हाउस ऑफ ट्राइबल गोडेस है यानी कि आदिवासियों का, एक तरह से हम बोल सकते हैं देवी है, ये इसको बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो प्लांट है साल, ये इंडिजीनियस होता है इंडिया के लिए, यानी कि इंडिया के लिए क्या है, नेटिव प्लांट है। इंडिया के अंदर ये इंडिया का नेटिव प्लांट है। इट ग्रोज इन फुट हिल्स ऑफ ट्रॉपिकल हिमालयस, ईस्टर्न हिल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, ऑन द हिल्स ऑफ एंड ऑन द हिल्स ऑफ वेस्ट बंगाल। तो इन सभी एरियाज को कवर करता है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। फुट हिल्स जो होते हैं ट्रॉपिकल हिमालयस की, और इसके अलावा ईस्टर्न हिल्स के जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं ईस्टर्न हिल के ऊपर, एंड जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं सेंट्रल इंडिया के, एंड जो वेस्ट बंगाल के हिल्स हैं उन सभी के अंदर इसको देखा जाता है। नेक्स्ट है इसका बोटैनिकल डिस्क्रिप्शन। तो अगर हम साल प्लांट की बात करें तो लार्ज और मीडियम साइज का ये प्लांट होता है। रेजिनीफेरस ट्री होता है, यानी कि ये रेजिन प्रोड्यूस करता है, रेजिन गिव राइज करता है। अप टू 40 मीटर की हाइट तक ये ग्रो कर सकता है, अटेन कर सकता है। लीव्स इसके ओवेट होते हैं, ओबलोंग होते हैं। ओबलोंग का मीनिंग है थोड़े से, ओवेट का मीनिंग हो गया कि वो ओवल शेप के है, और ओबलोंग का मीनिंग है कि वो थोड़े से रेक्टेंगुलर भी है। ठीक है, तो ओवेट, ओबलोंग एंड 10 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ये होते हैं, और 5 to 15 सेंटीमीटर ब्रॉड ये होते हैं। तो ये लीफ इसका होता है। इनफ्लोरिसेंस इसके अंदर पेनिकल टाइप की इनफ्लोरिसेंस पाई जाती है। पेनिकल टाइप की इनफ्लोरिसेंस के अंदर क्या होता है, लाइक यहाँ पे अगर हम बात करें, स्टेम यहाँ पे हो गई, ये यहाँ पे ऐसे ब्रांचेस निकलेंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसे अल्टरनेट मैनर के अंदर फ्लावर्स होंगे। ठीक है, ये क्या होंगे, ये फ्लावर्स यहाँ पे होंगे, और ये जो है ऐसे इस टाइप की इन्फ्लोरेसेंस को बोला जाता है पेनिकल। ठीक है, इस टाइप की इन्फ्लोरेसेंस को पेनिकल बोला जाता है। फ्लावर्स की अगर हम बात करें, स्मॉल वाइटिस्ट इन कलर होते हैं। ठीक है, स्मॉल होते हैं एंड वाइटिस्ट इन कलर होते हैं, एंड आर हर्मेफ्रोडाइट। और ये हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि इनके अंदर मेल एंड फीमेल पार्ट्स जो है फ्लावर के अंदर दोनों ही पाए जाते हैं, यानी कि एंड्रोसिम एंड गाइनोसिम दोनों पार्ट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एक ही फ्लावर के अंदर। इसके बाद इसका कैलिक्स, कैलिक्स यानी कि सेपल, 5 इन नंबर होती हैं जो कि लोब्ड होती हैं। पेटल्स यानी कि कोरोला, जो कि अगेन क्या होता है, 5 इन नंबर होता है। और स्टेमन्स इसके अंदर बहुत सारे, मैनी स्टेमन्स इसके अंदर पाए जाते हैं। फ्रूट की अगर हम बात करें, फ्रूट इसका ओवॉइड होता है और इनडेहिसेंट होता है। 1 सीडेड नट इसके अंदर पाया जाता है, विद विंग लाइक परसिस्टेंट सेपल। ठीक है, विंग लाइक परसिस्टेंट सेपल इसके अंदर पाई जाती है। परसिस्टेंट का मीनिंग क्या होगा कि जब फ्लावर से फ्रूट बनता है तो ये जो फ्लोरल पार्ट है, सेपल्स हो गई, पेटल्स हो गई, ये क्या हो जाती है, फॉल ऑफ हो जाती है, झड़ जाती हैं। लेकिन इस कंडीशन के अंदर क्या है, ये परसिस्ट करती है, ये लगी रहती है। तो यहाँ पे परसिस्टेंट सेपल्स पाई जाती है फ्रूट के साथ। सीड्स राइपन इन द मंथ ऑफ जून, जून के मंथ में सीड्स राइप हो जाते हैं। टेम्परेचर रेंज इसको 44 to 47 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्ड होती है।
सोइल, ये जो है यहाँ पे ये किसके लिए है, ये इसकी प्लांट की ग्रोथ के लिए है ये सभी फैक्टर्स। सोइल वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, जिसमें से अच्छे से ड्रेनिंग हो। एंड एनुअल रेनफॉल 450 सेंटीमीटर तक इसको रिक्वायर्ड होता है। तो ये सभी क्लाइमेटिक कंडीशन होती है जो कि साल प्लांट को उगने के लिए रिक्वायर्ड होती है, ग्रो करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट है साल ट्री के यूजेस, यानी साल ट्री से जो वुड या फिर टिम्बर मिलते हैं उसके क्या यूज़ होंगे। तो अगर हम साल ट्री की इसके टिम्बर्स की बात करें तो मोस्ट वैल्यूबल एंड वाइडली यूज्ड होता है इंडिया के अंदर। टिम्बर जो है इसका ब्रिज बनाने में, बोट्स बनाने में, कैरेजेस बनाने में, वेगन्स बनाने में, यानी कि जो मालगाड़ी के डब्बे होते हैं उनको बनाने में, व्हील्स बनाने में, रेलवे स्लीपर्स, पोल्स, डोर्स, विंडोज बनाने में इनका यूज़ होता है। असम के अंदर इनको एज अ बोट मेकिंग की तरह यूज़ किया जाता है, इनसे बोट बनाई जाती है। इसके अलावा साल ट्री से ओलियो रेजिन यील्ड होता है। जैसे हमने बात की थी कि साल जो है एक क्या है, एक रेजिनिफेरस ट्री है, तो इससे ओलियो रेजिन यील्ड होता है, मिलता है, जो जिसको साल डमर या फिर बंगाल डमर बोला जाता है। और ये जो ओलियो रेजिन है ये एक इंसेंस की तरह यूज़ किया जाता है इन द प्रिपरेशन ऑफ पेंट्स एंड वॉर्निशेस। पेंट्स एंड वॉर्निशेस की के प्रिपरेशन के अंदर इंसेंस की तरह इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसे एक इसेंशियल ऑयल भी निकलता है जिसको बोला जाता है चूआ ऑयल, जो कि एज फिक्सेटिव की तरह यूज़ किया जाता है फॉर फ्लेवरिंग, च्यूइंग एंड स्मोकिंग टबैको के अंदर। तो ये सभी यूजेस हैं यहाँ पे साल्ट ट्री के, किसको ब्रिज बनाने में, बोट्स बनाने में, कैरेजेस बनाने में, विगोन्स, व्हील्स, रेलवे स्लीपर्स, पोल्स, डोर्स, विंडोज बनाने में इसका काम होता है। इसके अलावा इससे ओलियो रेजिन यील्ड होता है जिसको इंसेंस की तरह यूज़ किया जाता है पेंट्स एंड वॉर्निशेस की प्रिपरेशन के अंदर। एक इसेंशियल ऑयल इससे मिलता है जिसको बोला जाता है चूआ ऑयल, जो कि फिक्सेटिव की तरह यूज़ किया जाता है च्यूइंग एंड स्मोकिंग टबैको के अंदर। तो यहाँ पे हमने ये साल्ट ट्री के बारे में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट आता है टीक। टीक या फिर इसको सैगून या फिर इसको सागौन बोला जाता है, ठीक है। जो टीक ट्री होता है ये लेमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसका साइंटिफिक नेम, बोटेनिकल नेम टिकोना ग्रैंडिस होता है, टेक्टोना ग्रैंडिस होता है। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, ये जो प्लांट है ये इंडिजीनियस है इंडिया के लिए, यानी कि नेटिव है इंडिया के लिए, म्यांमार के लिए, श्रीलंका के लिए, मलेशिया के लिए। वर्ल्ड वाइड इसको ग्रो भी किया जाता है, जैसे कि इंडिया, बर्मा, जावा, सुमात्रा एंड पार्ट्स ऑफ इंडोनेशिया आर्किप्लेजो। आर्किप्लेजो क्या होता है, छोटे छोटे ग्रुप्स का समूह होता है। इंडिया के अंदर इसको बंगाल, आसाम, नॉर्थ इंडिया एज फार एज देहरादून, वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया विच एक्सटेंड अप टू 940 मीटर हाइट। तो इतना इतनी जगह पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वर्ल्ड वाइड भी होता है, इसके अलावा इसको इंडिया के अंदर भी देखा जाता है। नेक्स्ट इसका आता है बोटैनिकल डिस्क्रिप्शन। बोटैनिकल डिस्क्रिप्शन या फिर बोटैनिकल फीचर्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो टीक का ट्री है ये लार्ज और टाल डेसीडियस ट्री होता है, जो कि अप टू 40 मीटर तक की हाइट को अटेन कर सकता है। साल ट्री में भी हमने देखा था कि वो भी 40 मीटर तक की हाइट अटेन कर सकता है, टीक ट्री भी इतनी ही हाइट अटेन कर सकता है। बार्क इसकी वाइटेस्ट ग्रे इन कलर होती है। लीव्स इसके सिंपल अपोजिट एलिपिटिकल और ओवेट इन शेप होते हैं, विच आर 25 to 50 सेंटीमीटर लॉन्ग ये होते हैं और 20 to 40 सेंटीमीटर इन विड्थ ये होते हैं। इसके अलावा इनफ्लोरेसेंस इसके अंदर अगेन पैनिकल्स होती है, जो कि साल ट्री के अंदर भी हमने देखी थी, तो इसके अंदर भी पैनिकल टाइप की इनफ्लोरेसेंस होती है। फ्लावर्स की अगर बात करें, स्मॉल एंड वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं इसके अंदर भी, एंड ये फ्लावर्स ब्रैक्टिएट होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें इसके इनफ्लोरेसेंस की, तो फ्लावर्स जैसे यहाँ पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट किए हुए हैं फ्लावर्स। तो ये जहाँ पे फ्लावर्स होते हैं वहाँ पे एक स्मॉल रिड्यूस्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस लीफ लाइक स्मॉल रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर को ब्रैक्ट बोला जाता है। तो ब्रैक्ट यहाँ पे पाई जाती है, तो ये फ्लावर कैसे होते हैं, ब्रैक्टिएट होते हैं एंड हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। इसके अंदर ये बाइफर्केट जो पार्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है ये क्या है, ये स्टिग्मा है, स्टाइल एंड नीचे की तरफ ओवरी होगी, एंड ये यहाँ पे क्या है, ये स्टेमन्स हैं या फिर हम बोल सकते हैं एंड्रोसिम वाला पार्ट है इसके सराउंडिंग में। तो ये हर्मेफ्रोडाइट प्लांट है, मेल एंड फीमेल इसके अंदर पार्ट्स पाए जाते हैं दोनों ही। नेक्स्ट है कैलिक्स यानी कि सेपल। पेंटामेरस होती है एंड 5 to 6 गैमोसेपलस होती है।
हम वर्ड्स यूज करते हैं गैमोसैपलस एंड पोलीसैपलस। गैमो जहां पे भी हम यूज करते हैं उसका मीनिंग होता है यूनाइटेड और फ्यूज्ड, यूनाइटेड और फ्यूज्ड इसका मीनिंग होता है, यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सैपल्स फ्यूज टाइप की होती है एंड परसिस्टेंट होती है, ठीक है, ये परसिस्ट करती है, फ्रूट बनने के बाद भी परसिस्ट करेगी ये। कोरोला यानी कि पेटल्स 5 to 6 लोब्ड ट्यूबुलर इन शेप होती है, थोड़ी सी लोब्ड होती है एंड एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती हैं। स्टेमंस अगेन 5 to 6 इन नंबर होते हैं एंड ओवरी इसके अंदर सुपीरियर पाई जाती है। सुपीरियर ओवरी का मीनिंग क्या होता है, ओवरी सबसे हाइएस्ट पोजिशन पर पाई जाएगी, ओवरी ऑक्यूपाई करेगी हाईएस्ट पोजीशन फ्लावर के अंदर। बाकी सब पार्ट्स हैं, एंड्रोसियम है, पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, वो सब नीचे पाए जाएंगे, ओवरी क्या होगी यहाँ पे सुपीरियर पाई जाएगी। फ्रूट की अगर हम बात करें, हार्ड एंड बोनी ड्रूप यहाँ पे फ्रूट होता है एंड एक 4 लोब्ड नट ये होता है। सीड इसके अंदर 1 to 2 इन नंबर होते हैं, ठीक है, ये इसका फ्रूट हो गया, इसके अंदर ये सीड पाया जाता है। इसके बाद सोइल इसके अंदर, वैसे तो ये वैरायटी ऑफ सोइल के अंदर ग्रो कर सकता है लेकिन बेस्ट ग्रोन जो होती है ये एलुवियल सोइल होती है। टेम्परेचर इसको 26 to 30 डिग्री रिक्वायर्ड होती है प्लांट को ग्रो करने के लिए, ये टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। एलुवियल सोइल बेस्ट होती है इसकी ग्रोथ के लिए, 26 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसको रिक्वायर्ड होता है एंड एनुअल रेनफॉल अबाउट 130 to 300 सेंटीमीटर तक रिक्वायर्ड होता है। तो ये इन सभी क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर ये जो प्लांट है वो क्या करेगा, सीड से बहुत अच्छा ग्रो करेगा। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं यूज क्या होंगे टीक प्लांट के। तो टिम्बर जो है टीक ट्री से मिलता है वो रेजिस्टेंट होता है फंगस के लिए, टर्माइट्स के लिए, आंट्स के लिए। तो इन सभी चीज़ों के लिए क्या होता है, रेजिस्टेंट होता है, यानी कि बहुत अच्छी वुड ये मानी जाएगी। इसके अलावा इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ रेजिन्स भी पाए जाते हैं। ये रेजिन्स क्या करते हैं, जो वुड के अंदर पोर्स पाए जाते हैं उन पोर्स को ये फिल कर देते हैं और जो वाटर का एक्शन है उसके लिए भी इस टिम्बर को, इस वुड को, इस ट्री को रजिस्ट कर लेते हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी और ड्यूरेबल जो टिम्बर है वो माना जाता है टीक ट्री का, क्योंकि फंगस, टर्माइट्स, आंट्स रजिस्टेंट होता है, इसके अलावा वाटर भी रजिस्ट कर सकता है। टिम्बर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्नीचर, टेबल, रेलवे स्लीपर्स, कैरेजेस एंड एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, जैसे कि प्लग हो गया, इन सभी को बनाने के लिए काम आते हैं। इसके अलावा इसकी जो ट्री की जो टिम्बर है वो हाईली ड्यूरेबल होता है, हमने देख लिया क्यों होता है, क्योंकि ये फंगस, टर्माइट्स, आंट्स एंड वाटर के लिए रजिस्टेंट होता है। इट इज़ वाइडली यूज फॉर मेकिंग पोल्स, बीम्स, ट्रसेस, कॉलम्स, विंडो फ्रेम्स, फ्लोरिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शनल वर्क इन हाउसेज, ब्रिजेज, प्रॉप्स इन कोल माइंस। तो इन सभी के लिए भी यूज़ किया जाता है, यहाँ पे पोल्स बनाने में, बीम्स बनाने में, इसके अलावा ट्रूजेस बनाने में। ट्रूजेस क्या होते हैं, जब बीम्स को इकट्ठा करके एक रिजिड फ्रेमवर्क बनाया जाता है उसको ट्रूज बोलते हैं, फिर ट्रूजेस बोलते हैं। कॉलम्स, विंडो फ्रेम, फ्लोरिंग और कुछ अदर कंस्ट्रक्शनल वर्क हाउसेज के अंदर, ब्रिज एंड प्रॉप्स इन कोल माइंस। ठीक है, प्रॉप्स क्या होते हैं, जब कोल माइंस, जो माइंस होती हैं उनमें से जब कोल निकालते हैं तो उस टाइम पे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसे वुडन सपोर्ट लगाए जाते हैं। ठीक है, वुडन सपोर्ट लगाए जाते हैं इन माइंस के अंदर, इनको ही क्या बोला जाता है, इनको ही यहाँ पे प्रॉप्स बोला जाता है कोल माइंस के अंदर, जो कि टिम्बर टीक के ही, जो टिम्बर है टीक का उससे ही बनते हैं। इट इज़ यूज इन मेकिंग डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ प्लाईवुड एंड यूज फॉर मेकिंग बेंचेस एंड क्लासरूम डेस्क बनाने के लिए भी काम करते हैं। इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग साउंड बोर्ड्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साउंड बोर्ड्स बनाने में भी ये काम आते हैं। इसके जो लीव्स हैं ट्री के वो डाई की प्रिपरेशन में काम आते हैं, जो कि क्लोथ्स को कलर करने में यूज होती है। तो ये सभी यूज़ हमने देख लिए यहाँ पे टिम्बर टी को, टिम्बर टीक के। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है प्लांट पाइन, या फिर इसको चीड़ बोला जाता है। पाइन जो है पिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम बात करें, नेटिव होता है टेम्परेट हिमालयस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है।
और नेटिव होता है ट्रॉपिकल टेम्परेट हिमालयाज का। इंडिया के अंदर ये वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हिमालयाज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1800 to 3750 meter विच एक्सटेंड्स वेस्ट वर्ड्स टू अफगानिस्तान एंड ईस्ट वर्ड टू भूटान। यानी कि ऊपर के जो एरियाज हैं हिमालयाज साइड के, उस जगह पे ये पाया जाता है। एक तो ये कहाँ पाया जाता है, वेस्टर्न और ईस्टर्न हिमालयाज। इसके अलावा ये एक्सटेंड करता है वेस्टवार्ड में अफगानिस्तान तक और ईस्टवार्ड में भूटान तक। इसके अलावा इंडिया के अंदर ग्रोज इन स्टेट लाइक सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी ये ग्रो करता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसका बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन। तो ये जो प्लांट है ये एक टाल एवरग्रीन और कॉनिफेरस ट्री होता है। हाइट इसकी अगेन 40 meter तक अटेन ये कर सकता है। अभी तक हमने देखा है साल, टीक, तो उनकी हाइट भी क्या होती है, इतनी ही होती है। ठीक है, उनकी हाइट भी 40 meter तक ही होती है। इलोंगेटेड मोर और लेस पिरामिडल क्राउन शेप का होता है एंड लेटर बिकम्स अम्ब्रेला शेप। पहले तो ये क्या होता है, क्राउन शेप का होता है, बाद में ऐसे करके ये अम्ब्रेला शेप का बन जाता है। लीव्स की अगर हम बात करें, लॉन्ग ब्लू ग्रीन इन कलर होते हैं। ठीक है, लीव्स इसके ब्लू ग्रीन इन कलर होते हैं, लॉन्ग होते हैं, नीडल शेप के होते हैं। ये लीव्स कैसे हैं, ये नीडल शेप के लीव्स है विच आर अरेंज्ड इन पेयर्स ऑफ ट्राइक्यूट्रस मैनर, जो कि ट्राइक्यूट्रस मैनर यानी कि एक ट्रैंगल, ठीक है, ट्रैंगल के मैनर के अंदर ये अरेंज होते हैं। मेल कॉन्स की अगर हम बात करें, लोअर साइड के अंदर मेल कॉन्स पाए जाते हैं, हाईएस्ट ब्रांचेस यानी अपर साइड में यहाँ पे फीमेल कॉन्स पाई जाती है। सीड्स इसके 0.8 centimeter होते हैं अबाउट एंड लॉन्ग एंड विद अ थिन मेम्ब्रेनस विंग लॉन्गर देन सीड। सीड से भी बड़ी यहाँ पे एक थिन मेम्ब्रेनस विंग होता है जो सीड के साथ लगा हुआ होता है, जिसको डिहाइसेंस में हेल्प करेगा। यूज़ की अगर हम बात करें तो पाइन ट्री के यूजेस के अंदर ये पैकेजिंग केसेस, कंस्ट्रक्शनल पर्पजेज एंड मैच इंडस्ट्री, माचिस बनाने के उद्योग है उनके अंदर ये यूज़ किया जाता है। ये पेपर पल्प की मेकिंग ऑफ पेपर पल्प में बनाने में भी काम, एक रॉ मटेरियल की तरह काम आता है और पेपर पल्प से पेपर बनते हैं। पाइन ट्री एक्ज्यूट ओलियो रेजिन एंड ये ओलियो रेजिन यील्ड करता है जो कि ऑन डिस्टिलेशन यील्ड एन एसेंशियल ऑयल नोन एज टर्पेंटाइन ऑयल, जो कि जिसके अगर हम उसका डिस्टिलेशन करें तो उसकी वजह से एक एसेंशियल ऑयल मिलता है जिसको टर्पेंटाइन ऑयल बोला जाता है। ये जो टर्पेंटाइन ऑयल है या फिर इसको तारपीन का तेल बोला जाता है, ये एज सोलवेंट की तरह यूज़ किया जाता है पेंट्स एंड वॉर्निशेस के अंदर। बार्क जो है ट्री की वो टैनिंग के लिए भी यूज़ की जाती है। इसके अलावा एज कुछ स्पीसीज जो है इसकी वुड एज फ्यूल भी यूज़ की जाती है। तो ये सभी यूजेस हैं यहाँ पे पाइन ट्री के। नेक्स्ट यहाँ पे आता है नंबर फोर्थ, ड्योडर या फिर इसको डियर या फिर डियर या फिर इसको देवदारू का पेड़ बोला जाता है। तो डियोडर की अगर हम बात करें, ये भी अगेन फैमिली पिनेसी से ही बिलोंग करता है एंड इसके लीव्स भी नीडल शेप के ही होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, ये नेटिव होता है माउंटेन्स ऑफ अफगानिस्तान, नॉर्थ बलोचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट हिमालयस। यहाँ पे क्या होता है, ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन ये इंडिजीनियस होता है या फिर ये नेटिव होता है। इंडिया के अंदर मेनली नॉर्थ टू वेस्ट हिमालयस ऑफ कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड पंजाब के अंदर ये ग्रो किया जाता है मेनली। नेक्स्ट आता है इसका बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन। टाल हो गया, एवरग्रीन ट्री होता है विद ड्रूपिंग ब्रांचेस, यानी इसकी जो ब्रांचेस ऐसे झुकी हुई होती है, ड्रूप टाइप की होती है, झुकी हुई होती है, तो ड्रूपिंग ब्रांचेस के साथ एक टाल एवरग्रीन ट्री होता है जो कि अबाउट 80 meter हाइट अटेन करता है एंड 30 meter तक इसकी विड्थ होती है। जो हमने तीन प्लांट्स डिस्कस किए, टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स, साल हो गया, टीक हो गया एंड पाइन हो गया, वो हाइट उनकी 40 meter तक ही अटेन कर पाते हैं, लेकिन ये क्या है, ये और भी ज़्यादा लंबी हाइट अटेन कर सकता है। लीव्स इसके डार्क इन कलर होते हैं एंड अगेन कैसे होते हैं, नीडल शेप के होते हैं, 2.5 to 3.5 centimeter लॉन्ग होते हैं एंड बोन ऑन द डेंस फेसिकल्स ऑन द ड्वार्फ शूट। अगर हम बात करें इन प्लांट्स की, डियोडर के प्लांट की, तो इसके अंदर दो टाइप के, या फिर पाइन्स के अंदर भी दो टाइप की यहाँ पे क्या होते हैं, ब्रांचेस होती हैं, लॉन्ग ब्रांचेस एंड शॉर्ट या फिर ड्वार्फ ब्रांचेस। तो ड्वार्फ ब्रांचेस जो होती है वहाँ पे डेंस फेसिकल्स होते हैं, उनके अंदर ड्वार्फ शूट्स के अंदर ये लीव्स ग्रो करते हैं।
ईच लीफ बियर्स टू रेजिन केनाल, हर एक लीफ जो है वो दो रेजिन केनाल बियर करता है। इसके अलावा मोस्टली डायसियस होते हैं एंड कुछ यहाँ पे मोनोसियस भी हो सकते हैं, ठीक है। मोस्टली डायसियस होंगे लेकिन कुछ मोनोसियस भी स्पीसीज यहाँ पे हो सकती हैं। नेक्स्ट आता है इसके यूज। सो इट इज द वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कोनीफेरस वुड इसकी होती है, ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इसकी वुड होती है। टिम्बर ऑफ द ट्री फाउंड इन द स्टेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क, कैरेजेस, फर्नीचर, रेलवे स्लीपर्स के लिए ये बेस्ट टिम्बर होता है। सिडार यानी सिड्रस डियोडारा वुड ऑयल इससे ऑब्टेन होता है ऑन द स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ द वुड चिप्स। जो इसकी चिप्स होंगे यानी कि पीसीज होंगे लकड़ियों के, उनका स्टीम डिस्टिलेशन करके एक ऑयल हमें मिलता है जिसको वुड ऑयल बोला जाता है। और ये ऑयल जो है ये रेडिश ब्राउन इन कलर होता है। इसका यूज अल्सर्स के अंदर स्किन डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा फीवर, पल्मोनरी एंड यानी कि लंग से डिजीज, लंग एसोसिएटेड डिजीज होगी, यूरिनरी डिसऑर्डर्स होंगे, उनको उनके अंदर ये यूजफुल होता है। इसके अलावा रूमेटिज्म एंड पाइल्स के लिए भी, इनके ट्रीटमेंट के लिए भी ये इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो ये सब यूज है यहाँ पे डोडर के ऑयल के। तो डोडर क्या है, एक स्ट्रॉन्गेस्ट कोनीफेरस वुड है जो कि सुटेबल होता है कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, कैरेजेस के लिए, फर्नीचर के लिए, रेलवे स्लीपर्स के लिए। इससे एक वुड ऑयल भी मिलता है जो कि बहुत सारे ट्रीटमेंट लाइक अल्सर, स्किन डिजीजेस, फीवर, पल्मोनरी, यूरिनरी डिसऑर्डर्स, रूमेटिज्म एंड पाइल्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ तक हमने इन चार प्लांट्स के बारे में, साल, टीक, पाइन एंड डियोडर के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो ये टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स हैं जिनसे टिम्बर या फिर वुड मिलता है। अपकमिंग वीडियोस में हम जूट यील्डिंग प्लांट्स एंड डाई यील्डिंग प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।